बेहतरीन योजनाओं और हमेशा कुछ अलग करने की चाह ने छत्तीसगढ़ को देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान दिलाई है। तो ऐसे में इस बार भला छत्तीसगढ़ कैसे पीछे रह सकता है। स्वच्छतम राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में रखने की वजह से मिली है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 20 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जैसे ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अवार्ड लिया, उसके तुरंत बाद पूरे सोशल मीडिया पर #छत्तीसगढ़ #1 और #cleanstateछत्तीसगढ़ ट्रेंड करने लगा, जिसमें अनेक सोशल मीडिया यूजर्स भूपेश बघेल को बधाई देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक 67 निकायों को स्वच्छता पुरस्कार से नवाजा गया है। 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य बना छत्तीसगढ़। मुझे गर्व है, मैं उस राज्य में रहती हूँ जहाँ लोग स्वच्छता के लिए अवेयर है। मुझे गर्व है, हमारे यहाँ गीला कचरा हरे डिब्बे में और सूखा कचरा नीले डिब्बे में ही डाला जाता है। मुझे गर्व है मेरा छत्तीसगढ़ जहाँ सेप्टिक वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। मुझे गर्व है हमारे राज्य में सूखे कचरे के रियूज प्लास्टिक का निपटारा सीमेंट प्लांट में RDF के जरिए किया जाता है। मुझे गर्व है मेरे छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो में गोबर खरीद कर वर्मी कंपोस्ट बनाकर कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। हमें गर्व है अपनी स्वच्छता के प्रयास पर, गर्व है 2.5 करोड़ लोगों के विश्वास। टीम छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में लगातार तीसरी बार इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.